हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्नेहल संदीप व्लॉग्स। इस साल की वरलक्ष्मी पूजा हम यूके में कर रहे हैं। इस पूजा में लक्ष्मी देवी को भोग लगाने के लिए मैं बना रही हूँ रवा बेसन बड़ी। इसके लिए मैंने रवा यानी कि सूजी को घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। सूजी अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैंने उसे साइड में प्लेट में डाल लिया है। अभी मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके बेसन डाल के उसको अच्छे से भून लूंगी। बेसन अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसे रवा में ऐड कर लिया है। अभी इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, शुगर पाउडर और इलायची पाउडर मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं करंजा यानी कि गुजिया बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदे के आटा को अच्छे से गूंद लिया है और उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। इसमें मैंने ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर को मिला लिया है। अभी मैं गुजिया बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। गुजिया बनके रेडी हो गए और मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अभी मैं देवी के फेस को सजाना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदा को थोड़े से पानी में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे मैं देवी के माथे पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं जो ये हल्दी डाल रही हूँ वो अच्छे से चिपक जाए। एक्स्ट्रा हल्दी जो लगी है साइड में, मैं उसको निकाल ले रही हूँ। यूके आने से पहले ये सारी चीज़ें मैं इंडिया से लेके आई थी। पूजा को लगने वाली सारी सामग्री भी यहाँ यूके में मिल जाती है। अगर आप यूके में बर्मिंगम में रह रहे हो तो मुझे पिंग कर देना, मैं आपको कमेंट करके या फिर मैसेज करके बता दूंगी कि बर्मिंगम में ये सारी सामग्री कहाँ मिलती है। अभी मेरे पास ये जो आईलाइनर है उससे मैं देवी के आईब्रोज और आँख को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। ये कलश का नारियल है, मैं इसको हल्दी लगा के अच्छे से सजा रही हूँ। यूके में नारियल कोई भी सुपरमार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। अभी मैं वरलक्ष्मी का स्टैचू बना रही हूँ और मेरे पास जो ब्लाउज पीस है उससे मैं उसे ड्रैप करूँगी। मेरे पास दो प्लास्टिक के स्टिक्स थे, मैंने उसको अच्छे से सेलो टेप लगा के चिपका दिया है। मेरे पास ये गुड़ का डिब्बा है, मैं उस पर कलश रखूँगी। मैंने कलश और इस डब्बे को अच्छे से सेलो टेप लगा के चिपका लिया है।
मैंने अच्छे से सारी तरफ से सेलो टेप लगा लिया है ताकि ये गिरे ना। मैं ये दोनों स्टिक को भी कलश से चिपका दूंगी और अच्छे से धागा लगा के उसको बांध दूंगी। स्टिक को मैंने अच्छे से धागे से बांध दिया है। अभी मैं ब्लाउज पीस को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद सेफ्टी पिन से मैंने उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। ब्लाउज पीस के बीच में से धागे को बांध के मैं ये धागा कलर से बांधूंगी। अभी मैं एक एक करके सारी ज्वेलरी बना दूंगी। ये हमारा वरलक्ष्मी का स्टैचू रेडी हो गया है। ये सारी तैयारी हमने एक दिन पहले रात में ही करके रखी थी। अभी दूसरे दिन अच्छे से फ्रेश होके हम अभी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। Thank you.
तो दोस्तों, वरलक्ष्मी की पूजा यूके में फर्स्ट टाइम ऐसी थी हमारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए स्नेहल संदीप व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप बर्मिंघम में रह रहे हो और इस पूजा के सारे सामग्री के बारे में आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो।